जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र स्थित एक स्पा संचालक आर्यन शर्मा द्वारा 17 वर्षीय किशोरी को झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट पर सोमवार की रात मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी स्पा संचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश मानव अधिकारी ने जिला कलेक्टर एवं SP को पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर जाँच प्रतिवेदन मांगा है। ज्ञात हो कि सोमवार को अपनी सहेली के साथ थाने पहुंची किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रेम मंदिर के पास सनराइज स्पा सेंटर का संचालन करने वाले आर्यन शर्मा ने उसे नौकरी पर रखने का झांसा देकर दैनिक शोषण किया, जिसका वीडियो भी बना लिया और फिर उसे धमकाते हुए ब्लैकमेल कर रहा था। देर रात मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देर तक कार्यवाही नहीं होने के बाद शिवसेना ने भी थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया है, इस मुद्दे में आपका क्या रुख है? हमारा रुख ये है कि आज शहर में, जबलपुर शहर में जितने भी SPA सैलून है उनमें सब ये घटनाएं हो रही है, लेकिन ये पुलिस जितने भी थाने सबको पैसा जाता है। क्या पुलिस को ये नहीं मालूम कहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को हर अपराधी की संज्ञान रहता है, उनको कहाँ क्या अपराध हो रहा है। आज ये जो घटना घटी है ये छोटी घटना नहीं है, हर घर परिवार में बच्चियाँ रहती हैं और वो पढ़ाई करती हैं और इसी यही उम्र रहती है, इनको भटकाया जाता है। क्या जबलपुर पुलिस प्रशासन इतना निंदाई हो गया है कि आज महिला बच्चियाँ गई उन FIR कराने, लेकिन उनकी FIR नहीं लिखी जा रही और ना ही अगर अभियुक्ता संघ और शिवसेना द्वारा अगर मदन महल थाने में प्रदर्शन नहीं किया होता, धरने में नहीं बैठा होता, तो आज ये कोई की कार्रवाई नहीं करती। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं जो महिला TI है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि महिला होने के बाद भी महिला का दायित्व नहीं निभाया उन्होंने, महिला होने के बाद ही महिला का सहयोग नहीं किया। उनको 8 घंटा लग गया एक FIR लिखने में, उसके बाद भी अभी FIR नहीं हुई है। उसको लटकाया गया कि आप पहले जांच कराइए, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करें। क्या जांच ऐसे ही होती है कि 8 घंटे में अभी तक 2 बजे से लेकर 1 बज रहा है, कोई जांच नहीं हो रहा, आप मुलायजा के लिए भेजाया गया। मैं तो ये कहूंगा जो भी मदन महल थाना है और TI है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आगे भी शिवसेना पूरे जितने भी SPA सैलून है, सैलून आड़ है SPA की, और SPA की आड़ में, सैलून की आड़ में SPA में पूरा देह व्यापार किया जा रहा है। जितने भी जबलपुर शहर में SPA सैलून सब ऊपर कार्रवाई की जाए। आप खुद एक राजनीतिक दल से, इसमें राजनीतिक प्रेशर की भी बात आ रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें जो भी यहाँ से पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी अभी जो उसमें है सत्ता में, उनके द्वारा दबाव आया गया है, जब ही पुलिस प्रशासन कार्य नहीं किया है, क्योंकि 8 घंटा एक FIR में लगा दिया, बहुत बड़ी बात। मुझे तो ये भी खबर मिली है और मैंने सुना है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को पैसा का ऑफर आया और यहाँ पर जो खड़े रहे, जो उनका सहयोग कर रहे थे बच्चियों का, उनके लिए भी सहयोग आया, 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर आया। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ, जो भी अगर ये ऐसे आते हैं उनको कड़ी कड़ी से सजा दी जाए और आगे भी शिवसेना ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। कैसे आप इनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे, वो उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं, तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहां जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है, वो ऑफर देते थे। एक बार इनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में तो इन्होंने वीडियो वगैरह बना लिए, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए, तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे, और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए, पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई, ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी, मैं हिम्मत करके घर चली गई। ये जो पहली बार आप कैसे उनसे मिले, क्या प्रलोभन देते थे आपको? उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो, इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में आज क्या घटनाक्रम हुआ इस पापे? उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर अब मैंने उनको जानती थी इसलिए मैंने उनको फॉलो आईडी दिया, फिर उन्होंने फोन करने लगे, कॉल्स कर करके मैसेज कर करके कहने लगे, फिर वो वीडियो दिखा अपने फोन में, उसके थ्रू हमें ब्लैकमेल करने लगे, इसलिए फिर हम लोग डर के कारण उनके कहने पर इंदौर जाने भी तैयार हो गए थे।